हेलो फ्रेंड्स, सोनास क्रिएटिविटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे हम ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल सा ये फ्लावर देखिए कितना प्यारा है, कितना ब्यूटीफुल है। और बहुत ही इजी वे में इसको आसानी से हम बना सकते हैं। इसको हम थालपोस में लगा सकते हैं बीचों बीच, और फिर यहाँ से थालपोस की स्टार्टिंग करके बीच में फ्लावर लगा के बना सकते हैं। इससे आप टोरन भी बना सकते हैं इस तरीके से फ्लावर बना बना के और इसको लगा करके। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम बनाएंगे। ये देखिए, हम पहले एक नॉट लगाएंगे इस तरीके से। जिस तरीके से आप लगाते हैं उस तरीके से लगा लीजिए, कोई वो नहीं है कि आप इसी तरीके से लगाइए। और इसके बाद देखिए, हम एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात चेन बना लेते हैं। और फर्स्ट वाली चेन में इसको ले आके ऐसे ज्वाइंट कर दे जोड़ देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, फिर यहाँ एक दो तीन चेन लेंगे और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो एक चेन को लेके एक डबल क्रोशिया, दो, ये तीन, चार, पांच, छः और सात, सात ये आठ, नौ और ये दस। देखिए दस बना लिया हमने। और दस बनाने के बाद इसको हम इस तरीके से फैला करके देखेंगे। इस तरीके से अभी नहीं, इसका यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर बताते हैं कि आगे इसमें हमें क्या करना है। देखिए इस तरीके से पूरा भर देंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है हमें ऐसे करते हुए। डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे लास्ट तक। देखिए ज्वाइंट कहाँ करना है हमें और कैसे। देखिए इतना बन के थोड़ा सा हमें और बना लेना है, एक चौथाई हिस्सा यहाँ तक, थोड़ा सा एक हिस्सा छोड़ना है हमें। देखिए जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो इसी तरीके से बनेगा। देखिए अब इसको हम ज्वाइंट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से। तो इसे हमें लेके ऐसे करके ऐसे और इसे इस वाले में ज्वाइंट करना है इस तरीके से। इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे इसको। और जो हमारा ये पहले वाला थ्रेड था इसको पकड़ के ऐसे देख लेंगे, खींच लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करके इस तरीके से निकाल देंगे। ये देखिए फिर इधर टर्न होंगे, फिर यहाँ पे हम एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और इसी जगह से यहाँ पे ऐसे टर्न हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से यहाँ से टर्न होंगे और इस वाली जगह पे इसको ज्वाइंट करेंगे, जोड़ देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर यहाँ दो चेन लेंगे, बहुत इजी है और देखने में बहुत प्यारा लगता है ये फ्लावर। देखिए फिर लास्ट वाले में ऐसे दो चेन बना के और सिंपल इसको ऐसे स्लिप चेन लेते हुए ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरीके से फिर हम दो चेन लेंगे, एक और दो, फिर इसको ऐसे फैला लीजिए इस तरीके से और इसमें डाल के नीचे वाले से ऐसे फिर एक और बना लेंगे। तो सेम यही प्रोसेस करते हुए एक दो और फिर इसी तरीके से जितनी पंखुड़ी आप बनाना चाहते हैं उतनी इसी तरीके से। इस तरीके दो हमारी बन गई और ये तीसरा हम बना रहे हैं। पाँच पंखुड़ी या छः पंखुड़ी जितना आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा साइज है, थोड़ा बड़ा भी बन सकता है। तो ये देखिए तीन हो गया, फिर दो चेन लेंगे। तीन होने के बाद ये देखिए यहाँ पे फिर लगा देंगे तो ये हमारी चार पंखुड़ी का रो कंप्लीट हो गया इस तरीके से। फिर एक और दो चेन फिर बनाएंगे और फिर ये देखिए कटोरी टाइप में बनते हुए चला जा रहा है। फिर यहाँ लगा देंगे तो ये शायद पाँचवा है हमारा इस तरीके से। फिर एक दो, दो बनाने के बाद फिर यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से ऐसे इस जगह पे ऐसे ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद फिर एक दो चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे, इस वाले में ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। सिंपल स्लिप चेन लेते हुए इसको ऐसे हम
ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए पीछे हमारा इस तरीके से कटोरी नुमा बन गया है। फिर हम यहाँ पे एक दो और ये तीन चेन लेंगे और इस तरीके से हम इधर टर्न हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इस वाले में जो हमने बना रखा था उसी में हम पंखुड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे, सब में डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए कितनी तीन बार हमने बना लिया, एक चेन चार हो गया, एक और बना लेते हैं पाँच। और फिर एक दो तीन चार चेन लेंगे और इसी वाले में यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में जो हमने ये बनाया है यहाँ पे हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। फिर एक दो तीन चार चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक दो तीन और ये चार, चार बना लिया। पांचवी में हमें चेन बना देंगे इस तरीके से। ये देखिए एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे और इस जगह पे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए फिर ऐसे करके और इस वाले नेक्स्ट वाले में इसको यहाँ जोड़ के ऐसे ज्वाइंट करेंगे। फिर एक दो तीन चार चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसी तरीके से ही प्रोसेस करते हुए हमको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो पूरा हम कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं फ्लावर का लुक कैसा लगता है। तो दो ये तीन हो गया हमारा, चार एक और, उसके बाद से चेन बना लेंगे। एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे, सेम जगह यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में भी बिना चेन लिए यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। और फिर एक दो तीन चार, चार चेन बनाएंगे। तो देखिए मेरी तीन पंखुड़ियाँ बनके कंप्लीट हो गई हैं, बाकी तीन हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से कितना प्यारा बन के आया है फ्लावर, ये देखिए। उसके बाद से जो हमारा ये थ्रेड बचा है हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है। फिर नेक्स्ट वाले पे भी ऐसे इस वाले में डाल के ऐसे सिंपल स्लिप चेन लेते हुए यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए कैंची की सहायता से इसको हम कट कर देंगे, इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए और इस थ्रेड को ऐसे करके पीछे साइड में इधर हम निकाल देंगे, ऐसे करते हुए इसमें डाल के ऐसे इसको खींच के ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल, कलर भी कितना बेहद खूबसूरत है। आप चाहें तो इसको अलग कलर से बना सकते हैं, इसको इस चीज़ को अलग कलर से बना करके पंखुड़ियाँ अलग कलर से बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कितना खूबसूरत फ्लावर बन के तैयार हुआ है हमारा। इसको आप थालपोश में लगाइए या फिर जिसमें आपका मन हो, बच्चों के कैप में भी लगा सकते हैं इसको बना करके, जिसमें आपका मन हो उसमें आप लगाइए, बनाइए और ट्राई ज़रूर करिए। देखिए बहुत ही ईजी बहुत सिंपल, आप चाहें तो कितने सारे फ्लावर बना के रख सकते हैं इस तरीके से, तोरण बना सकते हैं। ये देखिए रेड रेड वाले से हमने थोड़ा बड़ा बनाया है, पंखुड़ियाँ भी इसमें ज़्यादा हैं। ये देखिए कितना प्यारा है। देखिए वीडियो बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं, प्लीज़ पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। थैंक यू।